तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप्स में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली अभी हम लोग हैं मुंबई के गिरगांव चौपाटी पे। जी हाँ दोस्तों, रात के बज गए हैं, 11:30 का टाइम हो रहा है और हम पहुंचे हैं गिरगांव चौपाटी मुंबई। दोस्तों ये हमारे जो पीछे आप लोग भीड़ देख सकते हो, ये रात के 11 बजे की है और ये सुबह तक ऐसे ही चलने वाली है। क्योंकि हम आप लोगों को बता दें कि मुंबई के जो लाल बागचा राजा गणपति जी हैं, उनके साथ साथ मुंबई की जितनी भी बड़ी बड़ी अन्य अन्य इलाकों में जो मूर्तियां स्थापित करी जाती हैं, उन सभी का जो है विसर्जन यहां पे किया जाता है गिरगांव चौपाटी पे। तो वैसे तो रात को यहां पे विसर्जन होना कल दिन से ही शुरू हो गए, यानी कि आज दिन से ही शुरू हो गए हैं। अभी 12 बजे के बाद कल लग जाएगा ना, इसी वजह से थोड़ा सा हो गया। तो पीछे का भीड़ देख सकते हो भाई, लाखों लोगों की यहाँ पे भीड़ है और रास्ते में तो हम लोग भीड़ को क्रॉस करते हुए आए हैं। तो अभी हम गिरगांव चौपाटी को कवर करेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे कि कितनी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मूर्तियों का यहाँ पे विसर्जन होता है। और बने रहिए इस वीडियो में और दिखाते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से मूर्तियों को विसर्जन किया जाता है। मैं तो पहली बार हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, ठीक है। और लाल बागचा की मूर्ति का विसर्जन भी दिखाएंगे इस वीडियो में, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये है एंट्री, क्योंकि यहाँ से बालू स्टार्ट हो जाती है और आगे का आप लोग देख सकते हो एरिया पूरा खचाखच भरा हुआ है। और जो ऊंची ऊंची दिख रही है मूर्तियाँ, जो कि हमारे पास से काफ़ी दूर हैं और वहाँ पर जाने पर और वीडियो शूट करने पर बहुत ही मुश्किल होने वाली है। इधर देखो पूरा पूरा स्टेज सजाया गया है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस। ये देखिए नई सरकार बनी है भाई ये। तो अभी जितना भी आप लोग ये जुलूस देख रहे हो भक्तों का आया हुआ है यहाँ पर मुंबई के कोने कोने से। और ये है गिरगांव चौपाटी जहाँ पर होने वाले हैं सभी बड़ी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन। वैसे छोटी मोटी मूर्तियों को जुहू बीच पे भी विसर्जन उनका किया जाता है, लेकिन वहाँ न जाके हम वहाँ पे आए हुए हैं जहाँ पर मुंबई की सभी बड़ी बड़ी मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है। और जिनमें से एक है लाल बागचा राजा, मुंबई की जो जिसे राजा कहा जाता है लाल बागचा राजा, उनकी भी उस मूर्ति की भी विसर्जन जो है यहीं पे होने वाला है। लाखों की तादाद में भीड़ यहाँ पे इकट्ठा है भाई, जो कि लाइट कमी होने की वजह से आपको क्वालिटी में दिक्कत आ सकती है, लेकिन यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे पंडाल लगे हैं। यह अभी भीड़ मामूली लग रही है, लेकिन जैसे ही लाल बागचा मूर्ति आएगी वैसे ही आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पे भाई पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अभी भी वही माहौल है, पूरी मुंबई में वही माहौल छाया हुआ है। हम लोग बहुत ही क्या कहते हैं ना, कठिन परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। पीछे से देख लो ये है सब, सभी हमारे कैमरे के माध्यम से आप लोग यहाँ पर जो हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा है उसको आप लोग देखो किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर सभी किनारे किनारे बड़ी बड़ी जो मुंबई की मूर्तियों को समुद्र की तरफ मुख करके रख दिया गया, इनको बोट से ले जाया जाएगा अंदर की तरफ। कई तो जो गणेश जी हैं वो खड़ी मूर्तियों से हैं, देखो ये मूर्ति खड़ी है, उधर भी कई मूर्तियाँ खड़ी हुई हैं, तो उनको ले जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन सारी की सारी जाती हैं और भाई बोट से ले जाई जाती हैं। जो लाल बागचा राजा का जो भी विसर्जन होगा उनका, वो भी बोट से ही ले जाई जाएंगी। ये भीड़ देख लो यहाँ की, ये है गिरगांव चौपाटी मुंबई की। ये नज़ारा देखने हम रात के 12 बजे आप लोग लिए पहुँचे हैं। और ये देखो ये है समंदर भाई, चलेंगे उधर। तो गाइस फाइनली अभी हम आ गए हैं लेके आपको समंदर के किनारे, देखते हैं जगह थोड़ी सी मिल जाए भाई कहीं पे। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारी मूर्तियों को अंदर ले जाया अभी जा रहा है। अभी दिखाते हैं जूम करके आपको, भीड़ देख लो पहले कितनी है यार। ये भीड़ है यहाँ की और बड़ी बड़ी नाव ऐसे वह छोड़ दे हैं। ये व्यू देख सकते हो दोस्तों, लाइव एकदम रात के 11:30-12 बजे का ये लाइव एकदम व्यू चल रहा है। ये देखियो भाई ये जो व्यू है ना, वो देखने के लिए हम रात को मतलब सुबह दिन के 4 बजे से निकले हुए हैं और रात के 11:30-12 बजे बज गया है, लेकिन ये व्यू देखने के लिए भाई। अभी हम लोग पहुँचे हैं एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर जहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये ऐसी नाव रहती है जिनपे मूर्तियों को रख के विसर्जित किया जाता है। देखिए और पानी पैरों तक आ रहा है भाई, ये देख लो, ये सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है भाई। ये इतनी मेहनत है वीडियो शूट करने में, यहाँ पे बहुत बड़ी एक मूर्ति है जिसको भी विसर्जन उसका किया जाएगा, लेकिन वोट आने का शायद इंतजार हो रहा होगा। वोट से एक अंदर मूर्ति को ले जाया गया, देखो वो सारी मूर्तियाँ जो है वो पानी में कहीं ना कहीं खड़ी हैं, देखो देखो ये जा रही है।
गणपति बप्पा मोरिया। सब अंदर से खोखली है, देखो है ना, ये अंदर से देखो मूर्तियाँ पूरी खोखली होती है, इसीलिए हल्की होती हैं, इसीलिए गिरती नहीं है, ले जाने लाने में भी कोई दिक्कत होती नहीं है। ये सच्चाई देखो पहले, ये सच्चाई देखो, कठिनाई देखो, परेशानी देखो। और ये देखिए जा रही है विसर्जन होने के लिए, ये मूर्ति भी उस पर रखी जाएगी और पूरा विसर्जन किया जाएगा। और इसमें जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं तैरने वाने वाले, वही जाते हैं भाई, पूरी टीम रहती है, इसके अलावा कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं जाता। और अंदर देखो बहुत सारी मूर्तियाँ खड़ी है, ये भीड़ देख लो चारों तरफ भी। आप लोग वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ वेटिंग में हैं जिनको बाद में मतलब विसर्जन का किया जाएगा। पीछे बहुत सारी मूर्तियाँ जो वेटिंग में हैं अभी। उधर देखो पूरा कितनी हजारों लाखों की भीड़ है भाई, यहाँ से नहीं पूरा उधर से है, उधर उधर लोग पूरा देख रहे हैं उधर, है ना, वो मालाबार है, उधर मालाबार जो एरिया है वो पूरा उधर है, मालाबार हिल है उधर। और ये पूरा है जो गिरगांव चौपाटी, जो आप लोग हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हो यार, इतना शानदार नज़ारा और शानदार विसर्जन का व्यू। और किनारे किनारे उधर है मुंबई की मतलब एरिया, ये है पूरा समंदर। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं जो अभी वेट में हैं, वेटिंग में हैं, जिनका विसर्जन होना बाकी है। यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन लोग नीचे से निकल के आ रहे हैं, है ना। और प्रिंस भाई आगे निकल चुके हैं क्योंकि आगे मूर्तियों का विसर्जन चल रहा है बराबर, लगातार यहाँ पर जो है लाइव फोटो देखिए हमारे वीडियो के माध्यम से। आप लोग देखिए यार उधर चलना है, देखो उधर सारी की सारी मूर्तियाँ भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये सारी की सारी मूर्तियाँ को आप लोग देखिए, ये सब वेटिंग में है। एक और आ गई, देखो जब आएगी लाल बादशाह तब देखने का और ज़्यादा माहौल यहाँ पे होगा। हम खड़े हैं गिरगांव चौपाटी पे, यहाँ पे देखिए जो घर के जो मूर्तियाँ होती हैं, जो मोहल्ले की छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं, वो ऐसे ट्रक में आती हैं। देखो जो बड़ी बड़ी होती हैं वो तो चलो आती हैं, ओपनली आती हैं ऐसे, उनको लाया जाता है ट्रॉली पे रख के, लेकिन जो छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं उनको ट्रक पे ऐसे लाया जाता है। देखिए और बरसात कई बार हो चुकी है यार,